सूर्य कुमार यादव को इंडिया के लिए खेलने का मौका सिर्फ 3 साल पहले मिला, आज वो टीम इंडिया के कप्तान है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि जो बैट्समैन अपने पहले ही रणजी ट्रॉफी मैच 2010 में खेल गया था, जिसने 3 साल के अंदर मुंबई की कप्तानी 2013-14 के सत्र में की, उसे इंडिया के लिए अपना पहला मैच खेलने का मौका सिर्फ 2021 में मिला। क्या इन 11 सालों में सूर्य कुमार का प्रदर्शन अच्छा नहीं था? सवाल तो उठता है ना भाई। तो चलिए आपको सूर्य के फर्स्ट क्लास के रिकॉर्ड के बारे में भी बता दें। सूर्य ने 82 फर्स्ट क्लास के मैच खेले हैं, 5628 रन बनाए हैं, 43 का औसत है, 14 सैकड़े हैं। चलो हमने माना कि 2011 तक इंडिया के पास सहवाग, सचिन, लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ वगैरह थे, रोहित शर्मा और विराट कोहली उभरते हुए सितारे थे, अजिंक्य रहाणे भी पिक्चर में थे, पर क्या सूर्य टीम इंडिया के पास भी फटकने लायक नहीं थे? रणजी ट्रॉफी की अपने पहली ही पारी में सूर्य ने 73 रन ठोके थे, 2013-14 के सत्र में मुंबई के कप्तान भी बने, लेकिन मुंबई के ड्रेसिंग रूम को उनका एटीट्यूड पसंद नहीं आया। माना यह गया कि लड़का हवा में रहता है, इसके बदन में टैटू तो देखो, हर तरफ से बदन गुदा हुआ है। बस ये समझ लीजिए कि हुक्मरानों को लगा कि लड़के के पर निकल आए हैं। उनकी निगाह क्या पलटी कि टीम इंडिया के चयनकर्ताओं ने उन्हें अंडर-19 टीम के लिए तक नहीं चुना, इसलिए 1 साल के बाद मुंबई की कप्तानी से भी उन्हें हटा दिया गया। सूर्या को ये नागवार गुजरा तो उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। इस पर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बौखला गया, फट से उन्हें शो कॉज नोटिस ठोक दिया। शो कॉज नोटिस का मिला, हर किसी ने सूर्या से मुंह मोड़ लिया, कोई क्लब उन्हें खिलाने को तैयार नहीं। उनके करीबी दोस्त कहते हैं कि सूर्या के क्रिकेट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो मैदान पर हर किसी पर हावी होना चाहते थे। तब एक क्लब पारसी जिमखाना ने उन्हें सहारा दिया। सूर्या को भी लगन थी, उनका मन कभी भी क्रिकेट से हटा नहीं था, चाहे छोटा मैदान हो या बड़ा, छोटा शहर हो या बड़ा, बस हो या ट्रेन, सूर्या क्रिकेट को छोड़ने वाले नहीं थे। मन में ठान ली थी कि क्रिकेट में कुछ करके ही दिखाऊंगा। किस्मत का खेल देखिए, सूर्या को IPL में खेलने का मौका मिल गया। पहले कुछ साल KKR के लिए कुछ खास प्रदर्शन था नहीं, KKR क्यों खेले भाई, बता तो चुके हैं, मुंबई तो उनको पसंद ही नहीं करता था। पर फिर मुंबई इंडियंस ने उनका दामन थामा और सूर्या ने उसके बाद मुड़ के नहीं देखा। सूर्या का सूर इतनी तेजी से आसमान पर चढ़ा कि हर कोई चुंधिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ अहमदाबाद में अपने पहले ही मैच में 2021 में अपनी पहली ही गेंद पर जो खुंकार गेंदबाज जोफ्रा आउचर की एक बाउंसर थी, सूर्या ने उसे हुक करके छक्का मारा। 3 साल के बाद सूर्या का आलम यह है कि विश्व क्रिकेट में उनकी कोई बराबरी नहीं है। T20 के नंबर एक के बल्लेबाज हैं, 4 सैकड़े ठोके हैं और इससे ज़्यादा सिर्फ रोहित शर्मा ने सेंचुरीज की हैं। विराट कोहली भी सूर्या के बराबर नहीं है, हालांकि किंग कोहली ने उनके 68 मैचों के मुकाबले 125 यानी करीब करीब दुगने मैच खेले हैं। कोहली का इतने सालों में सिर्फ एक T20 का शतक है। सूर्या ने छक्के भी कोहली से ज़्यादा मारे हैं, सूर्या के 133 छक्के हैं और कोहली के 124। आज सूर्या टीम इंडिया के कप्तान हैं, पर उनके खोए हुए साल कौन लौटाएगा? कौन उन हुक्मरानों से पूछेगा कि क्या सूर्या के खोए हुए साल लौटा पाओगे? आज सूर्या 34 साल के होने को हैं, फिट हैं, पर कितने साल और खेलेंगे? आज जब साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज वेन पार्नर ये कहते हैं कि सूर्या का DNA टेस्ट करवाओ कि क्या वो इस दुनिया के हैं या किसी दूसरे लोक से आए हैं, तो क्या इन हुक्मरानों को शर्म नहीं आती? ये मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन और बाकी सब हुक्मरानों के लिए सीख है कि अगर बच्चे में टैलेंट हो तो वो तुम्हारे अगर बैटरिंग ना भी करे, अगर तुम्हारी चापलूसी ना भी करे, तो उसका गुस्सा उस लड़के के टैलेंट पर मत निकालो, देश पर मत निकालो।